हॉकी हमारा कौमी खेल, किसी दौर में हम दुनिया में इसके चैंपियन थे और सारे के सारे दुनिया के टाइटल हमने जीते हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, एशियन गेम्स, सारे ही टूर्नामेंट हम जीतते थे, हमारी टीम जीती थी और नाकाबिल शिकस्त थी। यहाँ तक कि एक बार ओलंपिक हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर ने कहा आपके पास हॉकी के 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 आर्टिस्ट हैं। और लेकिन वो दौर वो था जब ग्रास पे, नेचुरल ग्रास पे हॉकी खेली जाती, लेकिन जब से ये ऑस्ट्रोटर्फ आया है उसके बाद से हमारी हॉकी जवाल पजीर हुई, क्योंकि हमने ऑस्ट्रोटर्फ के मुताबिक अपनी कोई तैयारी नहीं की हॉकी खेलने की। ऑस्ट्रोटर्फ महंगा है, हमें बहरहाल इसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जिन शहरों में हॉकी होती है हर शहर में 2-2, 3-3 ऑस्ट्रोटर्फ तो होने चाहिए, तो फिर हमें स्कूल के बच्चों को उन पर खिलाना चाहिए, उसके लिए भले एलोकेट कर दें 3-4 स्कूल 5 स्कूल जो भी है ऑस्ट्रोटर्फ पे, उनको टाइम दें, वो प्रैक्टिस करें बच्चे आज तक, इस तरह उनके मसल्स बनेंगे जो आगे चल के जो है अगर इंटरनेशनल कैरियर में जो जिसको आप सिलेक्ट करते हैं तो जिस्मानी तौर पर काफ़ी फिट होगा और वो यूरोपियन खिलाड़ियों के मुकाबला कर सकती है हमारी टीम। क्योंकि हमारी टीम का मसला यही है कि हम पहला हाफ तो बहुत अच्छा खेलते हैं उसमें मुकाबला करते हैं, लेकिन दूसरे हाफ के 10 मिनट के बाद हमारी टीम थकन का शिकार हो जाती, जिससे यूरोपियन टीमें फ़ायदा उठाते हैं, 2-3 गोल आसानी से कर देते और जीत जाते। इसलिए हमें अगर ऑस्ट्रोटर्फ पे खेलना है तो उसके लिए स्कूल 12-13-14 साल से जो है बच्चों खिलाना पड़ेगा, जिससे उनके जिस्मानी मसल डेवलप होंगे जो उनके लिए स्टेमिना बनेगा और वो उनका खेल के 70 मिनट पर वो खेल सकेंगे और पाकिस्तान हॉकी एक बार फिर अपने उरूज पर आ सकें। और सिर्फ कोचेस बदलने था वहाँ के कोचेस खिलाने बुलाने से ये मसला हल नहीं होगा, चाहे कितने ही पैसे आप कोचेस को दे दें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो जेबों में जाएगा, हॉकी कोई तरक्की नहीं करेगी। अब तो कराची में हॉकी क्लब में होते थे टूर्नामेंट, वो तक अब ख़त्म हो गया, कराची में भी हॉकी को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है और बाकी पंजाब में जितनी जगह हैं वहाँ पे भी हॉकी के तो टूर्नामेंट होने चाहिए हर साल 2-3, उससे लड़के निकलेंगे, ऑस्ट्रेलिया पे होना चाहिए, फिर हमारी टीम जो है इस काबिल होगी को यूरोपियन टीमों का मुकाबला कर सकते। और जो टेक्निक रह गई, जो खूबसूरती थी हॉकी की, इस ऑस्ट्रेलिया ने आके उसको तो ख़त्म ही कर दिया, देख कोई मज़ा नहीं रहा खेल का, जो जैसा मज़ा आता था ड्रिबलिंग, बॉडी डॉजेस, वो सब ख़त्म हो गए, छोटे छोटे पासेस खेलते थे तो जो खूबसूरती थी गेम की थी वो अब सिर्फ ये रह गया हिटिंग या स्कूप का, एक डी से स्कूप किया दूसरी डी तक गेंद पहुँचा दी एक ही बार में, तो कोई उसका खूबसूरती नहीं रही खेल की, जो अट्रैक्शन थी वो अब ख़त्म हो गई। बहरहाल अब दोबारा ग्रास का तो आ नहीं सकता ज़माना, वरना मेरी तो तजवीज़ यही होगी कि ग्रास पे भी टूर्नामेंट कराना चाहिए किसी तरह भी, FIH में जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी ऐसे एशियन कंट्रीज़ हैं उनको वोट देना चाहिए, ग्रास पे भी हॉकी होनी चाहिए।